हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप बनाने जा रही हूँ लौकी चना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए लौकी चना की रेसिपी। तो लौकी चना बनाने के लिए हम पहले हमने गोल लौकी लिया है यहाँ पे, इसे हम पहले छील लेते हैं अच्छे से। छील के अब हम इसे कट कर लेते हैं, मीडियम साइज में हमें कट करना है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़े हमें इसे काट लेना है। लौकी चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज, दो टमाटर यूज किए हैं। टमाटर को भी इसी, प्याज और टमाटर को भी इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लेते हैं हम। प्याज टमाटर हमने कट करके रख लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चने की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगा के रखा था। यहाँ पे मैंने कुकर रखा है, इसमें देसी घी के बड़े 2 चम्मच ऐड किए हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे जीरा ऐड कर देंगे। जीरा जैसे ही ब्राउन हो जाए इसमें हम कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इसे हम भून लेंगे। प्याज का कलर ब्राउन होना चाहिए, जब तक ब्राउन होता है थोड़ा तब तक हम इसे इस तरह से ही पकाएंगे। जैसे इसका कलर ब्राउन हो जाए इसमें हम कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून तकरीबन हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इस तरह से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। वन फोर्थ हम इसमें रेड चिल्ली डालेंगे, 1/4 स्पून। 2 मिनट ऐसे ही हम इसे पकाएंगे, टमाटर हमारा गल जाए। अब हम इसमें हमने जो भिगो के रखी थी दाल उसे ऐड कर देंगे। हमने सारी दाल इसमें डाल दी, अब इसे 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इसमें कटी हुई लौकी हम डाल देंगे जो हमने काट के ऑलरेडी रखी हुई थी। लौकी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 1 मिनट तक इसी मास पे ही पकाना है इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी में ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है, आधा कटोरी तकरीबन। अब इसे हम ढक करके 2 से 3 सीटी लगाते हैं इस तरह से। अब देख सकते हैं दाल और लौकी अच्छे से गल चुकी है। इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसे इस तरह से सर्व कर लेते बाउल पे। लौकी चने हमारे बनके रेडी हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया। इसमें हरा धनिया हम ऐड कर देते हैं। आपके लिए टेस्टी सी लौकी चने की रेसिपी रेडी है। थैंक यू।